हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आज हम कर रहे हैं मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अगर एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं उसकी अलग से एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चन है ना उन सब के। देखो बच्चों, हमने है ना 1.5 कंप्लीट कर ली थी, उसमें आपने लास्ट टॉपिक जो सीखा था ना वो था रैशनलाइज। अब जो आपकी 1.6 है ना, ये सबसे अलग है पूरे फर्स्ट चैप्टर में। इसमें आपके कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आपने अच्छे से नोट डाउन करने और समझने और लिखने भी हैं। ठीक है ना, तो देखो फॉर्मूलाज में फर्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो होता है, अगर आपके पास ए की पावर एम है और इस सारे की होल पावर क्या है, एन है। ए की पावर, देखो बच्चों, अगर आपके पास ए की पावर एम है और उस सारे की होल पावर क्या है, एन है, तो बच्चों क्या होता है, नीचे वाला बेस सेम, पावर्स की ना एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरह से, एम इंटू में एन। आया समझ में? अगर बेस सेम हो तो पावर्स की आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड है, अगर आपके पास ए बाय में बी की होल पावर क्या हो, एम हो, तो बच्चों ये एम जो होता है ना वो ए की भी पावर होता है और बी की भी पावर होता है इस तरह से, ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम। अब आगे देखो बच्चों, अगर आपके पास ए की पावर एम है मल्टीप्लाई में बी की पावर एम है, देखो बच्चों बी की पावर एन मान लो, यहाँ पे ए की पावर एन मान लो, ठीक है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। जब बेस सेम होंगे ना स्टूडेंट्स, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस होगी। देखो बेस सेम है ना, ए इंटू ए और मल्टीप्लाई में पावर प्लस कर दो, एम प्लस एन लिख दो। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपके बेसिस सेम होंगे ना तो आपके जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पावर ऐड होंगी तो आपके पास, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो आपके पास इसमें है 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2, तो देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई में ना, तो पावर हम प्लस कर देंगे, 2 की पावर 3 प्लस 2 इक्वल 2 की पावर 3 प्लस 2 इज 5। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा फोर्थ एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास ए की पावर एम है और बी की पावर एम है, तो देखो यहाँ पे पावर सेम है ना, पावर सेम होगी तो बच्चों जो बेस है ना उनकी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप इस तरह से। ठीक है, और आपका फिफ्थ फॉर्मूला है कि अगर आपके पास जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन है ए की पावर 2, तो बच्चों जब भी इसको हम नीचे लेके आएंगे, देखो इसके नीचे 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो बच्चों इस तरह से बन जाएगा ए की पावर -2। ठीक है, अब मान लो इसी का एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 1 बाय ए की पावर -2 है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना ऊपर जाके ए की पावर +2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो आपने फॉर्मूलाज है 4-5 जो आपने ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके जैसा ना एक और है थर्ड के जैसा फॉर्मूला नंबर 6। अगर आपके देखो बेस सेम है और डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है ये रहा डिवाइड, बट पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है बच्चों, माइनस हो जाती है इस तरह से। ठीक है ना, देखो जब बेस सेम होंगे तो पावर प्लस, मल्टीप्लाई में होंगे तो बेस सेम होंगे, डिवाइड में होंगे तो पावर माइनस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब हम ना बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बच्चों क्या कह रहा है ये, से फाइंड करना है बच्चों हमें। ठीक है, फाइंड करना है, देखिए कह रहा है फाइंड दीज 3 पार्ट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड करना है, थर्ड में सिंपलीफाई करना है। तो देखो फर्स्ट में 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2, बच्चों देखो इसमें आपने क्या करना है, जो 64 है ना ये बेस है इसका ना, एलसीएम लो, प्राइम फैक्टर्स लिखो सबसे पहले, सबसे छोटे टेबल पर लेके जाओ, मतलब आपने इसको ना 2 की पावर में लिखना है जिसपे टेबल में जा रहा है। 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो देखो बच्चों 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into, ये सारा कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो बच्चों मैं 64 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर ये 1/2। देखो बच्चों बेस सेम है, पावर्स की ना एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो 6 की 1/2 के साथ इस तरह से। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, देखो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, नीचे कुछ भी नहीं, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों, 8 होता है, 2 into 2 into में 2 equal to 8, तो बच्चों ये हमारा आंसर है। बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपने जो बेस होगा ना हमेशा उसका एलसीएम लो और इस पावर की फॉर्म में लिख दो, उसकी होल पावर सेम रखो। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा 2 की पावर m, उसकी होल पावर n, पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुई, ठीक है ना इस तरह से, तो कटिंग हुई, फिर हमारे पास सोल्व करके आंसर आ गया। ठीक है ना, अब देखो इसका सेकेंड है 32 की पावर 1/5, देखो बच्चों 32 की पावर क्या है हमारे पास, 1/5, 32 का एलसीएम लो आप, ये आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 5 आ जाएगा, याद रखना 2 की पावर 5, और उसकी होल पावर भी क्या है, 1/5 है, तो पावर की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो,
फाइव इंटू वन बाई फाइव, देखो फाइव वन ज़ा फाइव वन ज़ा, कट करके देखो टू की पावर वन, मतलब कि टू इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, वन टू फाइव की होल पावर वन बाई थ्री है। अब वन टू फाइव का एलसीएम लो, देखो फाइव पे जा रहा है ये, ठीक है ना, इस तरह से तो गया ये फाइव पे। फाइव की पावर कितनी बनी, थ्री। फाइव की पावर थ्री की होल पावर वन बाई थ्री। अब बच्चों देखो फाइव की पावर थ्री, उसकी होल पावर वन बाई थ्री है, कौन सा फॉर्मूला लगा, ए की पावर एम उसकी होल पावर एन वाला। तो क्या होता है ये, पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो फाइव नीचे बेस सेम है, पावर्स की ना एक दूसरे के इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री वन जा थ्री वन जा, तो फाइव की पावर क्या होगी, वन, मतलब कि फाइव इज द आंसर, ठीक है ना। अब इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट देखिए, नाइन की पावर थ्री अपॉन टू, तो नाइन का एलसीएम लो। नाइन क्या होता है, थ्री का स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन, उसकी होल पावर थ्री बाय टू है। देखो पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, टू इंटू थ्री बाय टू, टू वन जा टू वन जा, क्या बचा, थ्री की पावर ये वाला थ्री। थ्री की पावर थ्री क्या होता है बच्चों, थ्री की थ्री के साथ तीन टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 27 इज द आंसर, ठीक है ना। सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड बच्चों आप खुद करोगे, मैं आपको सेकंड का ना फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी सारे आप कर लेना, खुद ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा तो बच्चों वीडियो को ना रिपीट करके देखो, जरूर समझ में आएगा। अब 125 की पावर माइनस वन बाई थ्री है, 125 का एलसीएम लो, क्या होता है, फाइव की पावर होल थ्री होता है, उसकी होल पावर क्या है, माइनस वन बाई थ्री है। अब फाइव की पावर ए की पावर एम उसकी होल पावर एन है ना, तो पावर्स की मल्टीप्लाई करो, थ्री की मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन बाई थ्री से, थ्री और माइनस वन बाई थ्री दोनों पावर्स है ना, इनकी मल्टीप्लाई की, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, क्या बचा, वन की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ, फाइव की पावर माइनस वन। यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना ना, जब इसकी पावर माइनस में है तो नीचे ले आओ तो प्लस में हो जाएगी, वन बाई फाइव इज द आंसर, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला, ए की पावर माइनस टू थी, नीचे लेके आए तो ए की पावर प्लस टू बन जाती है ना, तो वही फॉर्मूला इसमें, पावर माइनस थी, इसको वन के बारे में लिखा तो प्लस में बन गया। बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट है ये थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए टू की पावर टू बाई थ्री को डॉट टू की पावर वन बाई फाइव को। देखो डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, आई बात समझ में। अब देखो ये बेस सेम है, यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, बेस सेम है ना, जब बच्चों बेस सेम होते हैं ना तो पावर ना प्लस कर दो, कैसे, टू बाय थ्री वन बाय फाइव के बीच में प्लस, जब बेस सेम होते हैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो बच्चों पावर ऐड होती है इस तरह से, ए की पावर एम मल्टीप्लाई में ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस में एन। अब बच्चों पावर को सोल्व करना है तो कर दो, एलसीएम लो पावर का, थ्री और फाइव का एलसीएम 15, इसको इससे कट गया फाइव, फाइव टू जा टेन, इसको इससे कट गया थ्री, थ्री वन जा थ्री, टू की पावर क्या बनी, टेन प्लस थ्री थर्टीन अपॉन में फिफ्टीन, दिस इज आवर आंसर। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, पावर सेम होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो देखिए, वन बाई थ्री की पावर थ्री और उसकी होल पावर सेवन। बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर ए बाई बी की पावर एम है तो ये एम ए का भी है और बी का भी है, उस तरह बच्चों ये पावर वन की भी है सेवन और ये थ्री की पावर थ्री की भी होल पावर सेवन है। वन की पावर सेवन मतलब वन की वन के साथ सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई, वन की सेवन के साथ नहीं करनी, वन की वन के साथ ही सेवन टाइम्स करनी है, तो वन की वन के साथ चाहे आप थाउजेंड बार कर लो वन नहीं मिलेगा। अब थ्री की होल पावर देखो, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। इसका जो पार्ट नंबर थर्ड है वो देखिए, इलेवन की पावर वन बाय टू, नीचे इलेवन की पावर वन बाय फोर। बच्चों देखो बेस सेम है ना, 11 11 और किस में, डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, इस तरह से बेस सेम एक बार लिखो, 1 बाय 2 और 1 बाय 4 बीच में माइनस का साइन, देखो कैसे, ए की पावर एम डिवाइड में ए की पावर एन, क्या आ जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। तो देखिए 2 और 4 का एलसीएम लो 4, ठीक है ना, इसको सोल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस में 1, 11 की पावर 1 बाय में 4, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज आवर आंसर। एलसीएम सोल्व करना तो बच्चों आपको ये आना ही चाहिए, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 7 की पावर 1 बाई टू मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1 बाई टू, इसके बीच में डॉट हो तो बल्टो बच्चों मल्टीप्लाई का साइन होता है वो। देखो पावर सेम आ गई ना, आपको चेक करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद होंगे ना तो ही आप चेक कर पाओगे, पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बच्चों बेस की मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 8 और इसको इसकी होल पावर लिख दो, तो 7 8 जा 56 और उसकी होल पावर 1 बाई टू, दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपकी 1.6 कंप्लीट हो चुकी है और इसके साथ आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपने बच्चों सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वीडियो देखनी है, समझनी है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।